जानता हूँ ये सुनने में अच्छा ना लगे, पर तुम जिस तरह से जिंदगी जीती आई हो, अब तुम्हें उसे बदलना होगा। बेकार का स्ट्रेस लेना बंद करना होगा, लोगों से दूर रहना होगा। मैं लोगों से दूर नहीं रह सकती, फिर काम कैसे करूँगी अपना? तो तुम अपनी जॉब कभी नहीं कर पाओगी, यही रहोगी जब तक तुम अपने हल्क वाले रूप पर काबू करना नहीं सीखती। और उसमें वक्त कितना लगता? ये कई सालों का सफर है जिसका तुम्हें हम सफर बनना पड़ेगा, ताकि तुम हल्क के साथ जीना, उठना, बैठना सीख सको। मैंने अपने सफर को अच्छे से समझा और जाना, कभी नहीं सोचा था कि ये अपने आप में एक सब्जेक्ट बन जाएगा, पर लो, पेशे खिदमत है। अब मेरी मदद से उम्मीद करते हैं तुम्हारा सफर मुझसे आसान होगा और मंजिल जल्दी मिलेगी। और लगभग कितने साल की बात है ये? यही कोई 15 साल तकरीबन। 15 साल? सबसे जरूरी है ये कंट्रोल करना कि तुम कब बदलोगी। डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, ये दो विरोधी हालात को एक साथ संभालने में हमारी मदद करती है। पहले हम अपने दिमाग पर काबू पाना सीखेंगे कुछ योगा टेक्निक से। डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी एक एविडेंस बेस्ड साइकोथेरेपी है, ये क्लिनिकल है, स्पिरिचुअल। अपनी मौजूदगी का एहसास करो, जिन हालात में हो उसे कबूल करो। मैं देख रहा हूँ तुम थेरेपी के लिए तैयार नहीं हो, तो क्यों ना कुछ देर आराम कर लो, कल इससे निपटने का कोई और तरीका ढूंढें। अभी भी कंट्रोल में हो? ज्यादा गुस्सा तो महसूस नहीं हो रहा? नहीं, मामूली सा गुस्सा आ रहा है मुझे। सोते वक्त ना तुम फिर से जैन के रूप में आ जाती हो, पता? ये भोंपू बजाना जरूरी था? थोड़ी सी कॉमेडी भी तो चाहिए ना लोगों को। तो तुम्हें अपने सारे फर्नीचर को थोड़ा मजबूत बनाना होगा। ऐसी जगह पर रहने की सोचना भी मत जिसकी छत की ऊंचाई 10 फीट से कम हो। यकीन मानो, तुम्हें 2 अलग साइज के कपड़े चाहिए होंगे, एक जैन के लिए और दूसरे हल्क बॉडी के लिए। बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। निकी। स्पैंडेक्स। स्पैंडेक्स आज से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। चट्टान फेंक, बहुत मामूली बात, कोई बड़ी बात नहीं। फेंकूं? हाँ, बस छोटी सी चट्टान उठाओ और पहली बार है, जरा आराम से। Very good. बताना चाहता था सही तरीका। कमाल का था। अच्छा, मैं हूँ मर्द, मेरी मर्दानगी। लहरों की आवाज सुनो, सांसों को महसूस करो, कोई बंदिश नहीं। नए दिन का एक नई ताजगी से स्वागत करो। जानता हूँ मैं तुम्हें हद से ज्यादा आजमा रहा हूँ, पर एक सुपर हीरो को अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता। एक हल्क बनने के लिए बैलेंस जरूरी है। आसान था। ईर्ष्या नहीं है तू,